अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अली। क्या हुआ है मोहम्मद, आपने मास्क भी लगाया हुआ है, पाँव भी आपका मुझे लग रहा है कि टूटा हुआ है। टूटा नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, मतलब पाँव पे आपकी चोट आई जी। क्या हुआ है? ये रोड पे जा रहा था, आगे से एक बाइक वाला आया, उसने टक्कर लगा। आप रोड क्रॉस कर रहे थे जी? तो रोड क्रॉस ध्यान से करनी थी ना? ध्यान से करा, तो बहुत ज़्यादा स्पीड में था। आपने सिग्नल बंद होने का वेट करना था? था ही नहीं वहाँ पे। कहाँ था? यहाँ पे। अच्छा अच्छा ठीक है, यानी कि वहाँ कोई सिग्नल नहीं था और आपको बाइक लगी, फिर आपने उससे कहा कि चलो मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल जितना था नहीं, वो रेस्क्यू वाले आ गए थे, वहीं पे कवर हो गया था। वहीं पे कवर हो गया, ठीक है। और मास्क भी आपने लगाया था? घर वालों को पता चल जाएगा, बगैर बताए आया। बगैर बताए, घर वाले कह रहे होंगे कि बेटा तुम पाँव तुम्हारा ख़राब है, मतलब एक्सीडेंट हुआ है, तुम घर बैठो, तुम शॉपिंग के लिए आ गए जी। बस शॉपिंग करने आए हैं, घूमने आए? घूमने भी आए, ऊपर अब मूवी देखेंगे। मुझे ना ये लगता है तमाम लड़के एक जैसे होते हैं। मेरा अपना भाई है, उसका भी ऐसे ही पाँव टूटा था, लेकिन वो खेलने से बाज नहीं आया। अब 2 माह की छुट्टियां कॉलेज से, कुछ तो करना है। वाह, कॉलेज वाले ज़रा इनको ना फटाफट आप बुला लें। अब नहीं रहे, यही तो हम तरस रहे हैं कि कॉलेज वाले कब बुलाएं हमें। कॉलेज जाने का शौक है और क्या, अच्छा खासा। क्यों, सच बताएं? क्या सच बताएं, तो है गड़बड़। बंदा इंजॉय कर लेता है, दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है, घर में कैद रहना, बस एक ही जगह सेल फोन यूज़ करो, इधर जाओ खाओ पियो, फिर सेल फोन यूज़ करो, सो जाओ। शरारती लग रहे हैं आप। मुझे बताएं कि हमारा सवाल है आज का कि अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? ये तो पता नहीं, सोचे तो सही, अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? भी करनी शुरू कर दी। गलत जवाब। इतना टाइम लेके भी आपको जवाब नहीं। कोई और चलें। एक कश्ती है, उसमें 2 लोग हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। आप किसको बचाएंगे, एक लड़की को या लड़के को? आपके कोई जानने वाला नहीं है। लड़के को। क्यों? लड़की को खुद ही बचा लेगा। नहीं नहीं नहीं, दो बेचारे डूब रहे हैं, दोनों ने हाथ ऐसे ऊपर किए हुए ना। लड़की उसके साथ नहीं है, उसकी जानने वाली नहीं। तो फिर वो एक बोट में क्या कर? नहीं, एक बोट में क्या मतलब, एक लड़का और लड़की। आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हैं? अभी जान गए ना, मैंने देखा लाहौर वाले हैं तो मैंने इंटरव्यू देने आया। अच्छा चले, मुझे बताएं आप किसका हाथ, आपने लड़के का हाथ थाम जी। लड़की से कोई इनसिक्योरिटी है क्या? हाथ लगाओ तो प्यार हो जाएगा। बहुत ही आप पहुँची हुई चीज़ लग रहे हैं। क्या मैसेज देंगे आपके अंदर, आपको क्या लगता है हिडन टैलेंट क्या है? हिडन टैलेंट कुछ भी, कुछ खास नहीं, बस क्या बताऊँगा, बता दें, इससे पूछ लें, आपके दोस्त से पूछूं कि आपके अंदर हिडन टैलेंट क्या है? मेरे साथ होता है। अजीब सी बात है वैसे, क्योंकि मैं इसका बता सकता हूँ इसके अंदर क्या है। क्या है बता दूँ? बता दो, दोबारा पूछ लूँगी उसको बुला के। बताओ, जल्दी बताओ। ये ना घर कुछ नहीं बताता, और जो करना होता है वो मुझे पता होता है। अब इसके अंदर हिडन टैलेंट ये है, ये कुछ भी नहीं करता, हर टाइम बेला रहना इसको बहुत पसंद है, पढ़ना तो बस दूर दूर है, अल्लाह हाफिज़ भाई। घर में कह के जाता है कि पढ़ने जा रहा हूँ? घर में कहेगा मैं पढ़ रहा हूँ, और बुक के अंदर वो रख के सेल फोन, अच्छा खासा सेल फोन यूज़ करेगा, चैटिंग करेगा से? मुझसे। वाह क्या बात है, यानी दोनों के बेस्ट फ्रेंड गोल्स चल रहे जी। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तभी मुझे पता लग गया कि इन्होंने लड़के को क्यों बचाना है।